इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपने किस तरह अपने स्नैपचैट अकाउंट की टू स्टेप वेरिफिकेशन या टू स्टेप ऑथेंटिकेशन किस तरह करनी है। टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या होती है? जब भी आप अपने अकाउंट को दोबारा लॉगिन करेंगे या किसी नए फ़ोन में लॉगिन करेंगे तो आपको एक जो है वेरिफिकेशन कोड आपके नंबर पर रिसीव होगा, वो आप इंटर करेंगे तो इससे आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा और कोई भी आपका अकाउंट हैक नहीं कर पाएगा, कोई भी आपका अकाउंट चोरी नहीं कर पाएगा। तो आपने करना क्या है, यहाँ स्नैपचैट में आ जाना है, ठीक है। उसके बाद ऊपर आपने बिटमोजी पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर आपने सेटिंग पर क्लिक कर देना है, सेटिंग के बाद टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर आपने क्लिक कर देना है, यहाँ से आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। आप किसी भी एप्लीकेशन के ज़रिए भी, ऑथेंटिकेशन ऐप के ज़रिए भी आप यहाँ वेरिफिकेशन कर सकते हैं और अपने मोबाइल नंबर के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो मैं अपने मोबाइल नंबर के ज़रिए यहाँ पर करूँगा, मेरे पास एक कोड आ जाएगा, ठीक है। अभी एक कोड रिसीव होगा और वो मैं इंटर करूँगा, उसके बाद जो है ये आगे जो वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। मेरे पास कोड आ गया, मैं उसको यहाँ से इंटर कर देता हूँ। अच्छा, मैंने अपना कोड इंटर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद रिकवरी कोड आ जाता है, रिकवरी कोड अगर आपने यहाँ पर रिकवरी कोड इंटर करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते तो इसका इससे कोई मसला नहीं बनता, आपने ऊपर से स्किप कर देना है, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं कि आपके पास टैक्स वेरिफिकेशन पर एक चिक लग गया, आपकी टैक्स वेरिफिकेशन हो गई। अगर आप रिकवरी कोड इंटर करना चाहते हैं, रिकवरी कोड क्या होता है, जब भी आपसे मोबाइल गुम हो जाए या किसी और मोबाइल में आप अकाउंट इंटर करना चाहते हैं तो आप अपना पासवर्ड और जो ऑथेंटिकेशन कोड होता है ये सब आप रिकवर कर सकते हैं उसके ज़रिए। अगर आप अपने इसको वेरिफिकेशन को डिसेबल करना चाहते हैं तो आप जस्ट टेक्स्ट वेरिफिकेशन पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ से इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये डिसेबल का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, और आप उसको डिसेबल कर सकते हैं।